अपने प्रवचन में कहा है, कुंती जी को वो दृष्टि सदी हुई थी जिससे हर प्रसंग में वो श्री कृष्ण जी को देख सकती थी, वो दृष्टि कैसे प्राप्त करे? बहुत अच्छा लाइक कुंती का अर्थ होता है हिमालय के नोक के सदृश जिसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो, कोई भी अनात्म वस्तु जिसके दृष्टि को कुंठित करने में समर्थ न हो। नीति के बाल्यकाल का नाम था प्रथा, दक्षता का सूचक यह नाम है। उनके धर्म दृष्टि से पालक पिता के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे। कुंती के पालक पिता ने कहा, हमारे यहाँ चातुर्मास में निवास कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, मेरा नाम दुर्वासा है, मैं श्राप देने में कुशल हूँ, तनिक भी भूल हो जाने पर भी श्राप देता हूँ, लेने के देने पर जाते हैं। किसके बल पर तुम कह रहे हो कि आप यहाँ चातुर्मास के दिनों में निवास करें? उन्होंने कहा, मेरी पालिता पुत्री जो है छोटी आयु की है, वो आपकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने देगी, उसी के बल पर मैं कहता हूँ कि आप हमारे यहाँ चातुर्मास में निवास कीजिए। अच्छा तो ठीक है बेटी, भोजन बनाओ कह के चले जाते। दिन के 10 बजे, रात के 2 बजे आते। कुंती के मन में तनिक भी धुंधलाहट नहीं, भोजन बनाती रहती, पुराना भोजन छोड़ के। फिर इस प्रकार परीक्षा में जब कुशल हो गई, पास हो गई कुंती, तो उन्होंने वचन दिया, एक दिव्य मंत्र भी दिया, इसके प्रभाव से जिस देवता का तुम आवाहन करोगी वो देवता तुम्हारे पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे, जन्म लेंगे। उसी के बल पर वो कुंती ने धर्म को, वायु को, तेज को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कालांतर में माद्री ने कहा, आप बड़ी बहन के समान हो, पतिदेव को तो श्राप प्राप्त है, उनके स्पर्श से पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मुझे भी मंत्र की दीक्षा दे दो ताकि मैं भी निपुती न रहूं। उसने सोचा कि मेरे 3 इसके 1 हो जाएंगे, एक ही बार प्रयोग करना, अच्छी बात। बहुत चतुर थी माद्री ने, बचपन में ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त किया था, उसने मंत्र का 1 बार प्रयोग किया। अश्विनी ना सत्य और 10 अश्विनी कुमारों के नाम है महाभारत में। उसके प्रभाव से उसने सोचा कि 2 हमारे हो जाएंगे, पतिदेव के 5 उत्तर हो जाएंगे, कुंती के 3 हमारे 2, बहुत चतुर तुम निकलेगी, एक ही बार में 2 प्राप्त कर लिया, नकुल सहदेव। हमने संकेत किया कि कुंती का अर्थ ही होता है कुंत बने भाला के अग्रवाग के समान, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो। भगवान की कृपा से, दुर्वासा जी के अनुग्रह से इस प्रकार का वरदान मुझे प्राप्त था, पूर्व जन्मों की तपस्या के प्रभाव से। नागलोक की कन्या महाभारत में कुंती देवी सिद्ध होती, नागलोक से आई थी।